अंकित गुप्ता के फैंस का कहना ये है कि बिग बॉस रिस्पेक्ट करो जनता की जो तुम्हें इतनी ज्यादा टीआरपी दे रही है, और अगर अंकित बिग बॉस में नहीं है तो हम बिग बॉस को नहीं देखेंगे। काफी सारी खबरें ये आई है कि भाई अभी अंकित गुप्ता जो है घर से बेघर हो चुके हैं, जिसके बाद सुनने के बाद जो है कल मिडनाइट से एक टैग जो है काफी तेजी से ट्रेंड हो रहा है, और जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ 4,69,000 ट्वीट जो है इसके ऊपर हुए हैं। तो अभी जनता जो है काफी तरह तरह की बातें कर रही है सोशल मीडिया पर, काफी ज्यादा भड़कती हुई नजर आ रही है, और मैं भी जनता के साथ काफी ज्यादा सहमत हूँ। मैं आप लोगों को बताती हूँ सोशल मीडिया से जुड़ी हुई ये लेटेस्ट अपडेट। मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। भाई इस हफ्ते जो जो लोग नॉमिनेट थे उनके लिए तो इन लोगों ने बिग बॉस ने जो है वोटिंग लाइन ऑफ कर दी, और फिर उसके बाद प्रियंका के सामने एक दुविधा रख दी कि भाई 25 लाख रुपया या अंकित, अगर बजट दबाओगी तो 25 लाख रुपया तुम्हारे खाते में आ जाएंगे प्राइज मनी, और फिर अगर बजा दोगी तो अंकित जो है इसी वक्त घर से बेघर हो जाएंगे। एक नॉमिनेटेड थे, फिर उसके बाद उनको बचाने या ना बचाने का 25 लाख का किस्सा रख दिया, फिर उसके बाद जो है अंकित गुप्ता को बचा लिया प्रियंका ने। भाई प्रियंका की प्राइस मनी ही अंकित है, और उन्होंने बहुत ही सही डिसीजन लिया। अब जो है खबरें ये आई, जैसे कि आप लोगों ने सुना कि अंकित गुप्ता जो है घर से बेघर हो गए हैं। जनता का कहना ये है कि जनता की रिस्पेक्ट करो, तुम्हारा शो देख रही है जनता, और तुम्हें किसने हक दिया अंकित को घर से बेघर करने का। जहां पर चार लोग नॉमिनेट हुए थे वोटिंग लाइन ऑन करते तब पता चलता कि भाई किसको सबसे कम वोट मिली है, उसके आधार पे घर से बाहर भेजा जाता। पर यहां पर तुमने ये बात पूरे घर वालों से पूछी जबकि तुम्हें पता है कि ये पूरी मंडली एक है और ज्यादा से ज्यादा वोट जो है वो अंकित के खिलाफ आएंगी। तुमने ये बात पूछ ली कि भाई बताइए सबसे कम योगदान किसका है, किस कंटेस्टेंट का है। तो मंडली ने, जो कि पहले ही मंडली ने नॉमिनेट किया था अंकित को घर से बेघर करने के लिए, अभी मंडली से ही पूछ के उनकी ही वोट से ज्यादा है, और उसके बाद जो है उनकी वोट से ज्यादा होने के कारण अंकित को बाहर निकाल दिया। अगर अंकित घर में नहीं है तो नो अंकित नो बिग बॉस, हम ये बात कहते हैं। जनता जो है ये टैग चला रही है। क्या आपको भी बुरा लगा है कि अंकित गुप्ता चले गए हैं? और यार एक बंदा कितनी बार हफ्ते में डेंजर में आता है, एक ही बार आता है। पहले आप 25 लाख के सामने उस बंदे को रख दो, फिर उसके बाद आप नॉमिनेट है एक तो बंदा और उसको पता नहीं वोटिंग लाइन ऑफ है या ऑन है, जनता को भी फैसला नहीं दिया आपने, और वीकेंड के वार पे आपने कुछ गोलमाल करके बजर का सीन करके योगदान करके उस बंदे को ही निकाल दिया। क्या चाहते हो जब आपको पता है कि मंडली भाई बाहर निकालना चाहती है? अभी आप भी अपने विचार जरूर बताइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।